इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक नया गैस कनेक्शन कैसे लिया जाता है बिना कोई एजेंसी के चक्कर काटे। आपका एप्लीकेशन जब अप्रूव हो जाता है तब आपको एजेंसी जाने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी फ़िलहाल आपको एजेंसी जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए कैसे अप्लाई किया जाता है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। एक नया कनेक्शन लेने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज में आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे, रजिस्टर फॉर ऑनलाइन न्यू कनेक्शन, इसके ऑप्शन पे आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए रजिस्टर नाउ, इसके ऑप्शन पर आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ अपना फर्स्ट नेम फिल करेंगे, यहाँ लास्ट नेम फिल करेंगे, यहाँ एक मोबाइल नंबर फिल करेंगे, यहाँ एक ईमेल आईडी फिल करेंगे और आई एम नॉट रोबोट, इसके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी यहाँ फिल करेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से एक पासवर्ड चूज़ करेंगे, पासवर्ड में लेटर नंबर स्पेशल कैरेक्टर एक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पासवर्ड सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लीज़ क्लिक हियर लॉगिन, इसके ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी फिल करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ अपना पासवर्ड फिल करेंगे और यहाँ इसको टिक करेंगे, आई एम नॉट रोबोट और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आप नीचे आएंगे, आप अगर पहले से एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं एलपीजी का तो यहाँ अपना सिलेंडर को लिंक कर सकते हैं। अगर नहीं है, एक नया कनेक्शन आपको चाहिए, तो यहाँ सबमिट केवाईसी, इसके ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप जनरल स्कीम से लेना चाहते हैं तो इसको टिक करेंगे, अगर आप उज्ज्वला स्कीम से लेना चाहते हैं तो इसको टिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप जनरल स्कीम को सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ केवाईसी करना होगा। तो केवाईसी करने के लिए यहाँ आप आधार केवाईसी भी कर सकते हैं, जो आधार डिटेल्स को ये ऑनलाइन फेच कर लेगा। आपको इसमें आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो यहाँ केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ अपना मैनुअली पूरा फॉर्म को भरेंगे। चलिए इसको हम सेलेक्ट कर लिए और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का फॉर्म खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ से अपना आप टाइटल चूज़ कर लेंगे और यहाँ अपना फर्स्ट नेम या मिडल नेम, लास्ट नेम, और यहाँ से अपना जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे और मैरिटल स्टेटस यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, यहाँ नेशनलिटी फिल कर देंगे, रेजिडेंट इंडियन, और यहाँ अपना रिलेटिव का नाम फिल करेंगे, किसका नाम देना चाहते हैं आप। चलिए हम फादर का नेम देंगे तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ फादर का फर्स्ट नेम या मिडल नेम या लास्ट नेम फिल कर देंगे और यहाँ मदर का फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ आपको एड्रेस फिल करना होगा, यहाँ अपना पिन कोड फिल करेंगे और उसी हिसाब से आपका यहाँ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ एड्रेस टाइप में आप रूरल या अर्बन दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर गांव से हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे और शहर से हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम गाँव से हैं या रूरल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ सब डिवीज़न मैंने सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद यहाँ अपना विलेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ आपके सामने डिस्ट्रीब्यूटर की एक लिस्ट आ जाएगा, इसके ऊपर आप टिक करेंगे और यहाँ से जो भी आपका नज़दीक का डिस्ट्रीब्यूटर है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ अपना एक ईमेल आईडी फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना होगा। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ स्कीम सेलेक्ट करेंगे, जनरल स्कीम, और यहाँ स्कीम में आप कौन सा स्कीम सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो यहाँ जनरल सेलेक्ट करेंगे, अगर सब्सिडी नहीं चाहिए तो नॉन सब्सिडी, इसके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कितना केजी का आपको सिलेंडर चाहिए वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे, जैसे कि मुझे 14.2 केजी का सिलेंडर चाहिए तो इसको हम सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा और यहाँ सेव एंड कंटिन्यू, इसके ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ एक डॉक्यूमेंट देना होगा प्रूफ ऑफ आईडी के लिए। आप यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, किसी को भी दे सकते हैं। चलिए हम यहाँ पैन कार्ड देंगे तो इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट का नंबर फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ ऐड अटैचमेंट, इसके ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी फोल्डर में रखा हुआ है यहाँ चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसी तरह आपको एक प्रूफ ऑफ एड्रेस देना होगा, तो उसको सबसे पहले यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप क्या देना चाहते हैं, आप राशन कार्ड, वाटर बिल, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, रेंट रिसीप्ट, वोटर आईडी कार्ड, किसी को भी दे सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसमें अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आधार कार्ड का नंबर फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ अपना आधार कार्ड को अपलोड करना होगा, तो अपलोड करने के लिए ऐड अटैचमेंट, इसके ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखें, जैसे कि मैंने दोनों डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ नीचे आएंगे, सेव एंड कंटिन्यू, इसके ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे, क्या आपको सब्सिडी चाहिए, अगर चाहिए तो यहाँ येस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पूछ रहा है क्या आपके पास राशन कार्ड है, राशन कार्ड अगर है तो कौन सी स्टेट का है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ राशन कार्ड का नंबर फिल करेंगे। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं।
उसके बाद आपको यहाँ इनकम डिक्लेरेशन सेक्शन देना होगा, उसके लिए आप यहाँ अपना पेन नंबर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ अपलोड सेक्शन में आपको यहाँ अपना फोटोग्राफ को अपलोड करना होगा, तो उसके लिए यहाँ ऐड अटैचमेंट इसके ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ फोटोग्राफ आ जाएगा, यहाँ सेव एंड कंटिन्यू इसके ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आ जाएगा, इन सबको आप रीड करेंगे और नीचे आएंगे यहाँ टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ कन्फर्मेशन मिल जाएगा आपको, KYC इज सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज री लॉग इन टू चेक स्टेटस। उसके बाद आप अपना होम पेज में आकर के अपना सिलेंडर का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।